बोले स्वामी जी मैं तो तर गया। मेडिकल साइंस में बोला जाता है एक बार स्लिप डिस्क हो जाए तो वापस ठीक नहीं, स्लिप होने के बाद वापस अपनी जगह डिस्क नहीं आती नहीं आती, ऐसे ही सुना। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ जिंदगी भर के लिए बेल्ट बांध के ही चलना पड़ेगा। मैं तो 2 साल तक सोता भी था तो करवट बदलने के लिए भी बेल्ट बांध के ही सोता था, मतलब करवट बदलने में भी नहीं बनता था। राम, फिर अब क्या हाल? अब बेल्ट उतर गया, मैं बेल्ट नहीं पहन रहा। मैं अब बेल्ट उतर गई, कितने दिन हुए यहाँ आए? आज 6वां दिन है। कहाँ से आए हो? रांची से। लो, 6 ही दिन में बेल्ट उतार दी। पैर की दर्द बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम अंगूठे तक दर्द आता था, ऐसे असहनीय पीड़ा एकदम। क्या क्या किया? नेचुरोपैथी किया और सिंगी से बहुत आराम मिला। सिंगी से स्लिप डिस्क में, फ्रोजन शोल्डर में, नी पेन में, एड़ी का दर्द, वात कंटक बड़ा काट, मतलब खतरनाक दर्द होता है। तो ये बालक बड़ा प्रसन्न हो रहा था, क्या नाम है? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक मिश्रा, अब हमारे पंडित जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। तो दूसरी जिंदगी मिल गई मुझे तो। नहीं तो जिंदगी भर आदमी को बांध के रखो ना तो ऐसा लगता है कहीं जिंदगी का जो सुख है ना वही रोग आधा तो ऐसे ही छीन लेते। रोग क्या क्या काम करते हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। जब आपको बैकएक बहुत ज्यादा हो जाए, स्लिप डिस्क हो जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, खुशी कम हो जाती है जिंदगी की, आपकी नींद का सुख खत्म हो गया, जीने का सुख कम हो गया, आपके सुख 25-50% कम हो जाते हैं, आयु 10-20-25% कम हो जाती है, समाज से थोड़ा कट जाते हैं, थोड़ा अलग लगने लगता है, फिर कंफर्ट नहीं होता ना। जब मर्जी आए तब दौड़ लिया, तब मर्जी आए वो, अरे दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, चलना फिरने तक में दिक्कत आने लगती है, सोच समझ के उठना पड़ता है, सोच समझ के करवट लेनी पड़ती है। 2 साल से मैं आगे नहीं झुका था, अभी तो आगे झुक के प्रणाम वनाम सब कर रहा हूं मैं। तो ये स्लिप डिस्क की बात नहीं, कल मेरे से दसियों मिले, बोले स्वामी जी घुटने में दर्द था, वो श्रृंगी करवाई और जानू बस्ती करवाई, घुटने का दर्द तो गायब हो गया, अभी दोबारा तो नहीं आएगा। मैंने कहा खान पान परहेज पूरा करना, अपने शरीर को तो ठीक खुद करना पड़ेगा ना, आधा काम तुम्हें करना है, आधा काम मैं करता हूँ। चलो बेटा खुश रहो, मिश्रा जी।